मौत की सुहागी घाटी रीवा बस हादसे में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। एडीएम 15 दिन में तैयार करेंगे रिपोर्ट। टेक्निकल फॉल्ट बनेगा मुद्दा। रीवा जिले के सहयोगी घाटी में 15 यात्रियों की मौत के एक सप्ताह बाद कलेक्टर मनोज पुष्प ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। 21 अक्टूबर की रात हुई दुर्घटना में मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए जांच अधिकारी अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को बनाया गया। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कलेक्टर ने कहा कि अपर कलेक्टर मौके पर जाकर जबलपुर प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर हुए दुर्घटना के कारण व उत्तरदायी तत्वों की जांच करेंगे। टेक्निकल फॉल्ट से लेकर हाईवे की भौगोलिक स्थिति सहित अन्य विषयों की रिपोर्ट तैयार कर 15 दिन में कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यह होंगे जांच के मानक। कलेक्टर ने बताया कि अपर जिला दंडाधिकारी जांच के दौरान सड़क सुरक्षा मानक, बस संचालक सुरक्षित बस संचालन नियमों पर टीम उनका पुनर्निरीक्षण कर सुधारात्मक सुझाव देंगे। वाहन मालिक ट्रांसपोर्टर के माध्यम से दुर्घटना की भूमिका में की जांच करेंगे। यह भी देखेंगे कि दुर्घटना सामान्य है या प्राकृतिक, मानव जनित चूक का परिणाम व अपना अभिमत देंगे। जांच के समय भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो ऐसे उपाय और सुझाव देंगे। बता दें कि 21 अक्टूबर की रात नेशनल हाईवे 30 स्थित रीवा प्रयागराज मार्ग में सुहागी पहाड़ उतरते समय बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस दुर्घटना में 15 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 30 लोग घायल हो गए हैं। 8 श्रमिक बीते दिन तक संजय गांधी अस्पताल में भर्ती थे। हादसे की गूंज भोपाल, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंची। यह स्लीपर बस हैदराबाद से चलकर गोरखपुर जा रही थी जिसमें 70 यात्री सवार थे। घाट उतरे समय ब्रेक फेल हो गया जिससे बस पीछे से ट्रेलर में जा घुसी। रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह होते होते भीषण मंजर में बदल गया था। कलेक्टर ने सुहागे पहाड़ में हुए सड़क हादसे की जांच को लेकर समिति का गठन किया। उक्त समिति ने त्योंधर के अनुविभागीय दंडाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी MPRDC राजेंद्र प्रसाद तिवारी, प्रोफेसर हेड सिविल इंजीनियर कॉलेज को समिति का सदस्य बनाया। कलेक्टर के निर्देश दिए गए कि उक्त समिति 10 दिवस में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करे। संभागायुक्त व ADGP पहुंचे घटना स्थल। सुहागी दुर्घटना को लेकर संभागायुक्त अनिल सुचारी, ADGP KP वेंकटेश्वर राव गुरुवार की शाम निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने 15 लोगों की जान लेने वाली मौत की घंटी को पास में जाकर देखा। निरीक्षण के दौरान सुहागी पहाड़ पर टेक्निकल फॉल्ट का मौका मुआयना किया गया। इस दौरान राजस्व, पुलिस व परिवहन विभाग के आला अधिकारी मौजूद हैं। बने रहे थे खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।